तो पहले अवतार पहले अवतार की हुई, और जो जानवरों के अवतार है उनकी प्रत्यक्षता अभी नहीं हो रही है। बाप सबका बीज है या सिर्फ एक अवतार का बीज है? है? सबका बीज है ना, तो बाप के अंदर तो सारे ही संस्कार समाये हुए होंगे, अच्छे से अच्छे संस्कार भी होंगे और बुरे से बुरे संस्कार भी होंगे। सतो प्रधान शूटिंग में अच्छे संस्कार, तमो प्रधान शूटिंग में तामसी संस्कार। तो ऐसे नहीं है कि कलंकी धारा अवतार की प्रत्यक्षता अभी नहीं हो रही है। चलो बंबई में नहीं हो रही होगी, जहां अखबारों में, रेडियो में, टीवी में पूरी ही ग्लानी जिस एरिया में भर गई हो, तो वहां कलंकी धर अवतार की प्रत्यक्षता कहेंगे या नहीं कहेंगे? कहेंगे। तो कहीं से शुरुआत होती है, जहां से आज होती है वहां से अंत भी होता है। सुधरने की शुरुआत जहां से होती है वो शुरुआत हुई, तो सुधार का अंत भी कहां से होगा? वहीं से होगा। बिगड़ने की शुरुआत जहां से होती है अंत भी वहीं से होता है। बाबा संगम युग तो सुधरने की शुरुआत है। जैसे पहाड़ की चोटी पर चढ़ते हैं और चढ़ते चढ़ते बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और जोर से तूफान आता है तो ऊपर ही चढ़ते रहते हैं या थम जाते हैं? कोई नीची पहाड़ी का शेल्टर ले लेते हैं, लेते हैं या नहीं लेते हैं? ऐसे ही यहाँ पुरुषार्थी जीवन में भी है। माया जब बहुत अपोजिशन करती है तो चढ़ती कला थोड़े समय के लिए ठहरती कला में बदल जाती है। हाँ, नंबर वार है। कोई तो ऐसी पावरफुल आत्माएं होती है जो बढ़ती ही चली जाती है। जितने ज्यादा कठिनाइयां आवेंगी, जितनी ज्यादा परीक्षाएं आवेंगी, परिस्थितियां आवेंगी, उतना ही और ज्यादा तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देती है। ये बात दूसरी है कि माया के थपेड़ों से बीच बीच में हार भी खा लेती हूँ, लेकिन हार खाया हुआ तब तक हार खाया हुआ नहीं माना जाता जब तक वो दिल से हार न खा ले। जैसे साइकिल पे सवार धड़ाक से गिर जाता है और पड़ाक से फिर से साइकिल पे चढ़ जाता है, तो वो इसको ये नहीं कहेंगे कि वो हिम्मत हार गया। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। गिरता है तो आजू बाजू देखता नहीं है वो। है? हाँ जी, और सबने तो नहीं देख लिया गिरते हुए। बाबा बाबा, हाँ जी, अव्यक्तवाणी में आया कि आखिरी समर्पण समारंभ होना है कन्याओं का। हाँ जी, तो वो बात जो है बाबा लक्ष्मी के लिए लागू होता है। एक बार वो समर्पण नहीं हो सकी छोटी मम्मी? छोटी मम्मी एक बार समर्पण नहीं हुई क्या?
जिस अव्यक्त वाणी में बोला गया है वो कहाँ माउंट आबू में बोला गया है या एडवांस पार्टी के सामने बोला गया? माउंट आबू में बोला गया कि जो कन्याएं समर्पण हो रही हैं, दोबारा भी समर्पण समारोह मनावेंगे। बाबा ने इशारा दिया एडवांस पार्टी की तरफ। क्या दोबारा समर्पण एडवांस में होगा? हाँ जी। अभी क्या परमात्मा साक्षात के सामने समर्पण हुआ क्या? नहीं, नहीं हुआ ना। तो बाबा उस वक्त बुद्धि में तो छोटी माँ ही थी ना? है? उस वक्त बुद्धि में छोटी माँ के लिए ही इशारा दिया था ना? छोटी माँ के लिए? वो सभी के लिए। छोटी माँ क्या, बड़ी माँ क्या, सभी के लिए। संपूर्ण समर्पण अभी बुद्धि से समर्पण कहाँ हुआ है? बुद्धि से जब तक समर्पण न हो तब तक समर्पण होता है क्या? बुद्धि अगर सरेंडर नहीं हुई है, बुद्धि अपने तरीके से चलती रहे और तन मन धन वो तन और धन अर्पण कर दे, तो तन और धन का उपयोग ईश्वरीय ज्ञान के अनुकूल करेगा या मनमत के अनुकूल करेगा? मनमत के अनुकूल होगा। लेकिन मुरली में बोला है कि सारा मदर दिल्ली पर है। हाँ जी। वो जब तक ब्रह्मा से विष्णु नहीं बनती तब तक तो उद्धार हो नहीं सकता। हाँ जी। तो और बाबा ने ये भी बोला कि बुद्धि सरेंडर सबसे पहला करना चाहिए। हाँ। तो उसमें तो माया बेटी आगे चली जाती है। रावण के जो 10 शीश है उनमें 5 है माया के मुख और 5 है प्रकृति के मुख, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। 5 है माया के मुख, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनमें ज्यादा पावरफुल कौन से हैं? जो प्रकृति है वो पावरफुल है शारीरिक रूप से, देवान के रूप से, लेकिन उसको भी कंट्रोल करने वाली माया है। माया बड़ी बेटी है। क्या मुरली में आया? माया बड़ी बेटी भी है। तो एक माया बड़ी बेटी है। हाँ। और जगदम्बा है वो माया बच्ची है। हाँ, तो बड़ी बेटी माया बेटी माना बड़ी बेटी क्यों बन गई? वो बड़ी बेटी, बड़ी बेटी क्यों बन गई? बाप का टाइटल उसने कैसे ले लिया? बाप का टाइटल है सर्वशक्तिमान और माया भी सर्वशक्तिमान का टाइटल लेती है, तो कैसे ले लिया? कब लिया? पहले पहले बुद्धि से सरेंडर हो जाती है। फिर चैतन्य में माया बेटी है कौन? कोई आधार मूर्त में भी होगी तो बीज रूप में भी होगी। अच्छी तो ठीक है बाबा, लेकिन बेहद में कौन है? बाप दादा बोर्ड पर लिख करके या कागज पर लिख करके नहीं बतावेंगे? नहीं बाबा, लेकिन आज जो जगदम्बा जो है आज अपनी एक बच्चे की अंडर में जो है पूरा मन बुद्धि डाल रही है, बाप को भी वो बाप के खिलाफ। एक बच्चे के अंडर में? नंबर वन में जो एक बच्चे के अंडर में माना जो ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही जो है जो, जो सीता है वो 5 विकारों के कंट्रोल में आती है या एक ही विकार के कंट्रोल में आ जाती है? 5 विकारों के कंट्रोल में आती है। हाँ जी। लेकिन बाबा जगदम्बा एक के कंट्रोल में रहना तो फिर भी अच्छा है। लेकिन नंबर वन द्रौपदी जो है, और द्रौपदी को 5 पति कहे गए, वो भारत की परंपरा में ये बात अच्छी नहीं मानी जाती। इसकी यादगार में चकराता गांव है देहरादून में। कहाँ? जहाँ दुगने नंबर दुगना देहवान भरा हुआ है, जिस एरिया में, उसका नाम रख दिया देहरादून। दुगना देहवान भरा हुआ है। ऐसे उस जिले में, जनपद में एक गांव का नाम है चकराता। क्या नाम पड़ा? चकराता। सारी दुनिया की बुद्धि को चकरा देता है, सबकी बुद्धि चक्कर खाने लगती है।
ये क्या चक्कर है, समझ में नहीं आता। तो चक्राता में एक शादी करते हैं तो एक नथनिया डालते हैं, दूसरी शादी करती है तो दो नथनी डालते हैं, तीन तो तीन, चार तो चार, पांच शादी करते हैं तो पांच नथनिया डालते हैं। मान्यता है बाबा वहाँ का? हाँ जी, वो भक्ति मार्ग की वहाँ की परंपरा है बाबा। कलकत्ता के वार्तालाप, अभी एक बात समझ में आ गई क्या? उसी पर ही है बाबा। पहले एक बात का प्रश्न तो समाधान कर लो। हाँ जी बाबा, बात ये थी कि जगदम्बा जो है, हाँ, जैसे बोला बाबा ने गीता है, उसकी बुद्धि में अभी तक यही नहीं बैठा है कि गीतापति भगवान कौन है। हाँ जी, हाँ जी। वो शिव बाबा के बदले अपने बच्चे कृष्ण को मानती है। हाँ? तो आज जो जगदम्बा है वो दुनिया में ऐसा नहीं होता है कि माताएं जो है जिस बच्चे को पैदा करती है उस बच्चे से ही इतनी प्रभावित हो जाती है कि पति छूट जाए तो छूट जाए, जा सन्यासी बन जा जाके। मैं तो बच्चे की बात पे चलूंगी। दुनिया की, भारत की खास जो माताएं हैं वो भी तो उसी को फॉलो करती है। हाँ, यहाँ पे तो प्रकृति हो गई जगदम्बा। हाँ जी, हाँ जी। वो जो कंट्रोल करने वाली तो फिलहाल अभी तो माया के रूप में तो ब्रह्मा ही हो गई है, ब्रह्मा की आत्मा ही हो गई है। ब्रह्मा की आत्मा जो है, क्या उसने वास्तव में आत्मा का पार्ट बजाया है कि डब्बे का पार्ट बजाया है? अरे अरे, दुनिया में हीरो हीरोइन का पार्ट बजाने वाली आत्माएं कौन है? राम और कृष्ण है ना। राम बाप है और बाप के बाद पावरफुल परिवार में कौन बनता है? बच्चा। तो कृष्ण वाली आत्मा बाप का पहला पत्ता है, सृष्टि का बच्चा है। तो बच्चा जो है वो हीरोइन का पार्ट बजाता है और बाप हीरो का पार्ट बजाता है। तो जो हीरोइन का पार्ट बजाने वाला है वो आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाला है या देवान का पार्ट बजाने वाला है? डब्बा है या हीरा है? हीरा है, हीरा है। अरे माताओं का सबसे बड़ा गुण कौन सा? सहनशीलता। वो सहनशीलता का पार्ट बजाना में, पार्ट बजाने में कौन सी आत्मा ने नंबर वन ले लिया? जो जगदम्बा में आज में भी वो गुण नहीं था और अभी वर्तमान में भी वो गुण नहीं साबित होता। दादा लेखराज की आत्मा ने वो माँ का पार्ट आदि से मृत्यु पर्यंत तक बजाया। सुप्रीम सोल ने बजाया बाबा? नहीं, निमित्त कौन बना? सुप्रीम सोल तो सभी कुछ है, निमित्त कौन बना? सुप्रीम सोल ने निमित्त किसको बनाया? दादा लेखराज को माता का पार्ट बजाने में अर्जुन बनाई दिया। तो ब्रह्मा की सोल हुई, दादा लेखराज की सोल हुई आत्मा, और जगदम्बा हुई डब्बा। जिनमें देवभान ज्यादा होता है उनकी बुद्धि का आकर्षण जाता है गौमुख में। जो मुरली में बोला है, जो सन्यासी होते हैं वो गौमुख में हाथ डाल करके भगवान को याद करते हैं, राम 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 राम। मुंह से निकालेंगे राम 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 और अंदर दिल में कौन भरा हुआ है? गहू। तो जो दिल में रखा होगा उसी के लिए सपोर्ट भी करेंगे, होना क्या चाहिए? अंदर बाहर एक होना चाहिए या अंदर से एक और बाहर से दूसरा होना चाहिए? एक होना चाहिए। हाँ जी, देखो बेसिक नॉलेज में भी जो भी आत्माएं निकली ज्ञान में आदि से लेकर के अंत तक अभी भी निकल रही है, उनमें 80% 90% आत्माएं ऐसी है जो अम्मा 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 करती रही।
ब्रह्मा को ही याद करती रही। ब्रह्मा के चित्र मना करने पर भी नहीं माना और लगाती रही। और 10% आत्मा ऐसी थी जो आज से ही ब्रह्मा के प्रभाव से और ब्रह्मा की रहबरी में जो पलने वाले आसुरी बच्चे थे उनकी रहबरी से दूर हो गई। तुलसी आत्माएं यज्ञ के आदि में ही दूर हो गई। विध्वंस हुआ था 42-45 के बीच में। दुनिया में भी विध्वंस हुआ था। कहाँ हुआ था? हिरोशिमा में, नागासाकी में। वो सूर्यवंशी खंड है जहाँ सूर्य पहले उदय होता है। वो आत्मा यज्ञ से बिछुड़ गई। बाकी जो बचे वो सब विधर्मी थे, चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लामवंशी हो, बौद्धिवंशी हो, कोई भी वंशी आत्माएं हो, वो सारी विधर्मी आत्माएं यज्ञ के अंदर बची रह गई। और जब ब्रह्मा के 33 साल पूरे हुए, पहली मूर्ति के 33 वर्ष पूरे हुए, तो वही बिछुड़ी हुई आत्माएं फिर से यज्ञ में आना शुरू हो गई। बाकी जो 90% थे वो उस समय भी 69 में भी अम्मा अम्मा की गुहार लगा रहे थे, जय माता दी, और अभी भी जय माता जी की शूटिंग कर रहे हैं। बाबा ने मुरली में मम्मा को रिगार्ड देने के लिए बोला है, याद करने के लिए नहीं बोला है। याद एक को करना है और रिगार्ड माता पिता दोनों को देना है। रिगार्ड के रूप में ब्रह्मा माता को फॉलो करना है कर्मों में, और बाप के डायरेक्शन को फॉलो करना है। ये दो तरीके से माँ बाप दोनों का रिगार्ड होता है। बेसिक नॉलेज में भी 90% आत्माओं ने ये भूल की, और एडवांस नॉलेज में भी 90% आत्माएं भूल कर रही है। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्रह्मा को 1000 सहयोगी 1000 आत्माएं दिखाई जाती हैं भुजाओं के रूप में, और शंकर को 1000 भुजाओं के रूप में तो क्या 10-15 सहयोगी भी लगातार साथ में नजर नहीं आते। अगर होते भी हैं तो वो भी अंदर से एक और बाहर से दूसरा। अभी अभी निश्चय बुद्धि, अभी अभी अनिश्चय बुद्धि। इसलिए कैलाशी वासी कहा जाता है। जो मर जाते हैं उनको कैलाश वासी कहा जाता है। हाँ जी। और बाबा, जो जिसने ब्रह्मा बाबा को भी देखा नहीं है, हाँ जी, मम्मी को भी देखा नहीं है, हाँ, उनको योगदान कैसे करें? दर्शन करने की आस है, है? हाँ जी। जवाहरलाल नेहरू को आंखों से नहीं देखा है,
लेकिन इलाहाबाद की पब्लिक बहुत सी ऐसी थी कि उन्हीं को वोट देती थी और उन्हीं को दिल से दुआएं देती थी। और नेहरू जी हमेशा इलाहाबाद से जीतते रहे। तो क्या जैसे रूप के आधार पर बुद्धियोग दिया जा सकता है, ऐसे क्या नाम के आधार पर बुद्धियोग नहीं दिया जा सकता है? दिया जा सकता है ना, नाम तो पता है, जगदम्बा का काम तो पता है। तो नाम और काम उसके आधार पर बुद्धियोग की पावर दी जा सकती है। चित्र रखने के लिए तो वैजयी बाबा ने मना कर दिया है। किसका? ब्रह्मा का। चित्र रखेंगे चाहे स्थूल में चित्र रखेंगे चाहे सूक्ष्म में बुद्धि में चित्र रखेंगे तो क्या हो जाएंगे है? पति तो बन पड़ेंगे। समाधान हो गया बाबा? यह पांच तत्वों से बना हुआ, पांच तत्वों की अवधारणा वाला जो देवहान है उसमें तीक्ष्ण है, है? देवहान में तीक्ष्ण है, बुद्धि की तीक्ष्ण नहीं है। बुद्धि के आधार पर दादा लेखराज ब्रह्मा को कह दिया बेबी, और जगदम्बा का भी बचपन में बाप ने नाम रख दिया बेबी, बना बच्चा बुद्धि। बच्चा बुद्धि होना कोई गलत बात होती है? बहुत कोई गलत बात मानी जाती है, है? बच्चा बुद्धि के दो अर्थ हैं। एक तो कोई बात की गहराई को नहीं समझता है, उसे भी बच्चा बुद्धि कहा जाता है। और दूसरा जिसकी बुद्धि तिकड़मी नहीं होती है उसको भी बच्चा बुद्धि कहा जाता है। सीधा साधा। तो बाप का बड़ा बच्चा है वो? हाँ जी। तो बड़ा बच्चा है तो उसको पहले बड़पन करके दिखाना चाहिए ना कि बाप को, बाप बड़ा बच्चा है तो वो सतयुग में बड़ा बच्चा बनता है या संगमयुग में बड़ा बच्चा बनता है? संगम युग से ही बाबा फाउंडेशन तो पड़ता है। जो हम पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, संगमयुग में बड़ा बच्चा बनता है या सतयुग में बड़ा बच्चा बनता है? सतयुग में बड़ा बच्चा बनता है। सतयुग ऊंचा युग है या संगम युग ऊंचा युग है? चढ़ने का युग संगम युग ऊंचा युग। चढ़ने का संगम युग है और उतरने का सतयुग। सतयुग भी उतरने का युग है। तो उतरती कला में बच्चा बनता है, माने चंद्रवंश का पहला है, चंद्रवंश है उत्तरती कला का वंश है ना, तो चंद्रवंश में पहला है। लेकिन सूर्यवंशियों में पहलौटी के बच्चे कौन? जो सूर्यवंशी बनता है, जो स्वर्णिम संगम युग कहा जाता है, जिसकी यादगार मुसलमानों के शास्त्रों में जन्नत के रूप में है और अंग्रेजों के शास्त्रों में पैराडाइज के रूप में है, उनमें बड़े बच्चे कौन माने जाते हैं? जो खुदा के तख्त को उठाते हैं। तख्त को उठाना माना विशेष सहयोगी बनना, राजा ही संभालना। नंबर बार तो ऐसे अंत में भी जाएंगे क्या? है अंत में भी जाएंगे? अंत में भी जाएंगे क्या? जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं उनके लिए ये नहीं कहा जा सकता कि जन्म जन्मांतर अंत तक 84 जन्मों में लगातार सूर्यवंशी ही बन करके रहती है। वो आखिरी जन्म में जाके नीचे भी गिरती है, और नीचे गिरती है तो दुनिया की आत्माएं इतनी नीचे नहीं गिरती जितनी वो नीचे गिर जाती है। जो ब्राड ड्रामा में होता है वो संगम युग में शूटिंग नहीं होती है? नहीं तो जगन्नाथ को टूटा क्यों दिखाया जाता है? नहीं, छोड़ के जाएंगे क्या?
है जाना पड़ेगा यज्ञ को। नंबर बार होंगे कोई सेकंड दो सेकंड दो दस मिनट के लिए भी अगर बुद्धि से त्याग दिया, धोखा दे दिया और कोई दूसरा फैसला ले लिया, दो दस मिनट में दूसरी आत्माओं की बुद्धि को चेंज कर दिया, कुछ उल्टा पलटा बोल करके, कुछ उल्टा पलटा काम करके, तो उसको सहयोगी कहेंगे या भुजा कटी हुई कहेंगे? हर्षदेव के साथ में क्यों नहीं छोड़ा, क्यों छोड़ दे? हर्षदेव तो उनके साथ में रहते हैं, हर्षदेव पक्के सूर्यवंशी बोला गया। 84 जन्मों में ज्यादा टाइम अष्टदेव वाली आत्मा सहयोगी रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आखिरी जन्म में वो नीचे नहीं गिरती है, तभी तो नंबर बनेंगे ना। जो मूल सहयोगी है वो कौन है? मूल सहयोगी तो एक कृष्ण की सोल और दूसरी सुभद्रा। वही टूटी हो जाती है बाबा। पूरे संगम युग में 70 साल बीत गए लेकिन अभी तक कृष्ण की सोल को सहयोगी करके दिखाया नहीं गया, कहीं भी दिखा नहीं गया। किसका सहयोगी? बाप का। बाप का सहयोगी नहीं तो मस्तक में कैसे विराजमान है? नहीं, वो तो आपका बाबा का पहला बच्चा इसके लिए मस्तक में है वो। नहीं, जो प्यारा बच्चा होता है जिससे उम्मीद होती है, भले बेबी बुद्धि होता है तो भी उसको मस्तक पर धारण किया जाता है, प्यार से सर पर चढ़ाए लेते हैं। ये बच्चा अभी छोटा है, वही प्यारा है करके बालिक बन जाएगा, प्यारा है करके मस्तक पर बिठा लिया। हाँ जी, लेकिन सहयोग तो जिस तरह से चाहिए उस तरह से सहयोग दिया ही नहीं उसने। दिया नहीं तो पास्ट को क्यों देखना है? पास्ट को देखना है या भविष्य को देखना है? हम त्रिकालदर्शी हैं या पास्टदर्शी हैं? हो सकता है उससे भी ज्यादा कोई तीक्ष्ण निकल जावे बाबा, तो फिर चंद्रमा की जगह सितारा रख दिया जाएगा मस्तक। वो तो मुसलमान रखते हैं चंद्रमा के ऊपर सितारा। क्या ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आइडिया भी किसकी बुद्धि में आएगा? पाकिस्तान वालों ने झंडा जो था ना तिरंगा झंडा, हरा रंग जो हरा रंग जो है ना ऊपर रख दिया था, उल्टा रख दिया, केसरी रंग जो है नीचे कर दिया था, केसरी रंग को नीचे कर दिया, दो तीन बार किया उन्होंने। हमारे जो डिप्लोमेट लोगों ने उनको कहीं किया, मतलब उनसे इंतजार किया कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, जो हरा झंडा है ना उसको नीचे करो और केसरी को ऊपर करो। हाँ जी, तो वो तो ब्रह्मा को ऊपर रखेंगे ना। जो मुस्लिम है उन्होंने संगम युग में ज्यादा किसको फॉलो किया होगा? ब्रह्मा को फॉलो किया होगा। ब्रह्मा की मूर्ति वो हरे रंग की द्योतक है, हरा रंग और नीला रंग और काला रंग, ये तीनों रंग जो हैं वो विषैले रंग माने जाते हैं। बुद्धि में समाया रहता है कि हरित क्रांति लानी है, लेकिन जो हरित क्रांति लानी है वो तब ही आएगी जब गीता का भगवान साबित होगा। गांधी जी कितनी ताकत लगा के चले गए कि राम राज्य लाएंगे, लेकिन राम राज्य नहीं आया, और ही रावण राज्य आ गया। माना जब तक राम की आत्मा के साथ कृष्ण की सोल मिलकर के एकाकार नहीं होगी तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। परम धाम में जो जितनी बड़ी आत्मा रहती है, जितनी बड़ी उस परिस को घेर के रहती है छोटी आत्मा। हाँ, तो प्रैक्टिकल संगम युग में वो आत्मा है दूसरी आत्माओं को जो घेर के रहेगी, वो शासक के रूप में रहेगी, सेवाधारी के रूप में घेर के रहेगी। वो उनकी बुद्धि की तीक्ष्णता जो है
वो स्वतः ही इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी कि जो और आत्माएं हैं वो उनके अंदर में रहना ही पसंद करेंगी। जैसे सतयुग में जो भी 9 लाख आबादी होगी वो नारायण को क्रॉस करेगी क्या? नहीं करेगी। उनके अंदर स्वभाव संस्कार ऐसे समा जाएंगे, बुद्धि ऐसी बन जाएगी, हाँ, कि जो राज्य अधिकारी होंगे वो राज्य अधिकारी की स्टेज पर रह करके काम करेंगे, बात करेंगे, और जो दास दासी होंगे वो वैसी स्टेज में रह करके कार्य करेंगे, उनको फीलिंग नहीं आएगी। बाबा जो ब्रह्मा बाबा का जो साक्षात्कार हुए शुरू शुरू में, हाँ जी, तो बिंदु तो नहीं करा सकता है, प्रवेश करके ही किया होगा ना, जगदम्बा में या प्रजापत में प्रवेश किया होगा। इसलिए भक्ति मार्ग में राम को, राम की आत्मा तुलसीदास को, कृष्ण की आत्मा सूरदास को, या मीरा को, जो भी साक्षात्कार होते हैं वो परमधाम में रहने वाला सुप्रीम सोल कराता है, या संगम युग में उन आत्माओं की जो शूटिंग हो जाती है वो शूटिंग के हिसाब से स्वतः ही मर्ज होता है। क्या होता है? जो शूटिंग हो जाती है संगम युग में उसके अनुसार स्वतः ही वो मर्ज हुआ है, मर्ज होता रहता है। बीके वाले कहते हैं मीरा ने साक्षात्कार कराए, बीके वाले तो कुछ भी कहेंगे, उनकी बात छोड़ दीजिए, निराकर आप अपनी बात बताइए, कोई निराकर बिंदु तो साकार नहीं, जरूर किसी के तन में प्रवेश करके उन्होंने साक्षात्कार, तुलसीदास सूरदास को किसने साक्षात्कार कराए? स्वतः होते, हाँ जी स्वतः होते हैं, ड्रामा में नूद है, जब समय की सुई पहुँचती है तो रिकॉर्ड में वही गीत बजता है। हाँ जी, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर, हाँ, तुम वापस डायरेक्ट सीखोगे? हाँ जी, हाँ जी, तो 8 किलो लागू होती है ना बाबा? आठ किलो लागू होती है ना पॉइंट? 8 किलो लागू होती है, जिनकी पूरी शिवराज आय बन जाती है, जिनकी आंखें शिवराज बन जाती है पूरी, क्या बन जाती? सिविलाइज, हाँ, बाकी तो एक्सपर्ट भी नहीं बनती है। बेसिकली बेसिक नॉलेज से बेसिकली कट उतरेगी, एडवांस नॉलेज से एडवांस कट उतरेगी, जिनकी एडवांस कट उतरेगी उनके लिए कहा जा सकता है कि वो अष्टदेव की लिस्ट में आ जाते हैं, उनकी आंख में और कोई बाप के सिवाय समाता नहीं है। बाकी जो बेसिक नॉलेज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, उन सब के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने एडवांस रूप में आत्मा की सारी कट उतार लिए। बाबा जपनी से, हाँ, जपनी से समझ अपने को सूर्यवंशी, क्योंकि वहाँ से सूरज से पहली रोशनी निकलती है, तो वहाँ पे अक्सर भूकंप क्यों इतने ज्यादा होते हैं, इसका भेद में क्या होता है? भू माने क्या है? कन्या माता भू माने, भू धरणी, भू माने धरणी, और धरणी में कन्याओं माताओं में पहला नंबर किसका? जगदम्बा का माने प्रकृति माता का। तो जब सूर्यवंशी अपनी सूर्यवंशी स्टेज को होंगे और प्रकृति उनके विरोध में होगी तो भूकंप आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? है? आना चाहिए। बाबा, हाँ जी, पूरी दुनिया के जो 144,000 जो फरिश्ते हैं जो कार्य कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में, उनके बारे में जरा बताइए। क्या 144,000? 144,000 ये कहाँ से गिनती निकली? ये गिनती कहाँ से निकाली? बाबा बाहर से जो किताबें मिलती हैं उसमें लिखा होता है। अगर दूसरों का ज्ञान सुना तो बेविचारी ज्ञान हो जाएगा। टीवी क्या कहती है, रेडियो क्या कहता है, ब्रह्मा कुमारियां क्या ज्ञान सुना रही है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, अगर उन बातों में बुद्धि जाती रहेगी तो बुद्धि कैसी बन जाएगी? विचारी ज्ञान को उठाने वाली बन जाएगी, उससे नुकसान होगा। बाबा ने हमको बताया है एक से सुनना है, एक की बातों पर विचार करना है,
एक के सुनाए हुए ज्ञान का लेन देन करना है, औरों की बातों का मन चिंतन मंथन नहीं करना है। ऐसे तो यहाँ एडवांस पार्टी में भी ढेर सारी पार्टियां निकल रही है और वो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग अलाप रही है, तो उनकी बातों में अगर हम जावेंगे तो क्या होगा, हम दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जावेंगे। इसलिए कोई हमको कुछ भी सुना दे उन बातों में अपना टाइम वेस्ट करे क्या? टाइम वेस्ट नहीं करना है बाबा। हाँ, मुरली में है कि जो जितना योगी होगा वो उतना सहयोगी होगा। बिल्कुल ठीक। और योग का आधार बाबा ने बोला स्नेह, जो जितना ज्यादा स्नेह बाप के प्रति होगा उतना बाप से मिलन मनाएगा, मिलन मेला मनाएगा। बाबा बाबा ने मुरली में बोला है कि सबसे बड़ा मेला जो है जगदम्बा का लगता है। तो जगदम्बा का मेला लगता है, लेकिन ये भी तो बताया है मेलों में आत्मा और परमात्मा का मिलन मेला, वो चाहे बुद्धि से हो और चाहे कर्मेंद्रियों से हो, वो व्यक्तिगत मिलन वो बात अलग है। और जो हुजूम में मेला होता है, जिस मेले में जय माता दी होती है, पिताजी गायब हो जाता है। मुरली में क्लैरिफिकेशन के बाद बताया था, वैष्णवी देवी जो है वो इतना मिलन मेला नहीं मनाती, इसीलिए उसका मंदिर भले बड़ा बनता है, लेकिन जगदम्बा जो है वो जगत पिता से ज्यादा मिलन मेला मनाने के कारण जगदम्बा का मेला बड़ा होता है। मेला बड़ा होता है, मेला बुद्धि में क्यों घुस के बैठा हुआ है? इस बात पर ध्यान क्यों नहीं जाता है कि मंदिर लक्ष्मी नारायण का क्यों बड़ा बनता है, भव्य बनता है, और जगदम्बा का मंदिर छोटा क्यों बनता है? इस बात पर भी तो विचार जाना चाहिए। शिवालय भी बहुत छोटा ही बनता है। माना लक्ष्मी नारायण शिवालय बड़ा भी बनता है छोटा भी बनता है, ये आपकी बुद्धि में छोटा बैठा हुआ है। जो सोमनाथ का मंदिर है वो दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा मंदिर था। अच्छा, तो बात हो रही थी मेले की और मंदिर की। तो बड़ा भव्य मंदिर उनका बनता है जिन्होंने बड़ी सेवा की है, और छोटा मंदिर उनका बनता है जिन्होंने छोटी सेवा की है। बड़ी सेवा नहीं हो पाई इसलिए छोटा मंदिर बनता है। बाबा फिर लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते और जगदम्बा से सब कुछ मांगते, तो ये जरूर कुछ पुरुषार्थ से ज्यादा ही तो होगा। हाँ, बिल्कुल पुरुषार्थ ज्यादा होगा, क्योंकि जगदम्बा सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। सर्व मनोकामनाओं की पूर्ति जगदम्बा के द्वारा होती है। सर्व मने कामनाओं में अच्छी कामनाएं भी आ जाती है और बुरी कामनाएं भी आ जाती है, देवान की कामनाएं भी आ जाती है और आत्माभिमान की कामनाएं भी आ जाती है, रूहानियत से संबंधित कामनाएं भी आ जाती हैं। तो जो जगदम्बा है, जगदम्बा सर्व मनोकामनाएं की पूर्ति करती है, वो अम्बा का काम है। अम्मा क्या करती है और बप्पा क्या करता है? बाबा भी तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है, है? बाबा नहीं करती। माया करती है सब मनोकामनाएं पूर्ण, खराब मनोकामनाएं कौन पूरी करता है, बाबा या माया? तो ऐसे क्यों बोलते हो, है? 63 जन्मों में ग्लानी करते करते नहीं चूके, अभी फिर याद आ गया। हाँ जी, कर्मातीत स्थिति और अव्यक्त स्थिति में क्या? अव्यक्त स्थिति माना जो आंखों से स्थिति नहीं देखी जाती है, आंखों से नहीं देखने में आता है कि ये क्या याद कर रहा है। अव्यक्त माने आ माने नहीं, व्यक्त माना देख नहीं होगी, अव्यक्त, और व्यक्त माना देख नहीं होगी। जो इन आंखों से दिखाई पड़ता है वो है व्यक्त, जैसे शरीर दिखाई पड़ता है, शरीर की कर्मेंद्रियों से कोई काम किया जाता है वो तो दिखाई पड़ता है, तो उसे कहेंगे व्यक्त।
और जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है वो स्टेज है अव्यक्त, आत्मा दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन आत्मिक स्टेज अनुभव की जाती है। जोर से बोलिए। तू माने सुंदर और भद्र माना कल्याणकारी, सुभद्र माना सुंदर कल्याणकारी। जो विनाश का कार्य है वो कल्याणकारी कार्य है या अकल्याणकारी है? नई दुनिया का संगठन बनेगा उसमें अगर कचरा भी बना रहेगा तो दीपकों की दिवाली कामयाब होगी या नहीं होगी? है नहीं होगी। इसलिए सवेरा होने से पहले जो अंधेरा रूपी तामसी रात्रि है उसका पीछा करने वाली ऊषा चाहिए, ऊषा लालिमा। सूर्य पहले निकलता है या लालिमा पहले निकलती है? तो महाकाली पहले प्रत्यक्ष होनी चाहिए और सूर्य बाद में प्रत्यक्ष होना चाहिए। बाबा हाँ, प्रेम सोल राम बाप को चुनते हैं पृथ्वी पर जब आते हैं। हाँ जी, तो हम बच्चों को चुनने वाले कौन है? सुप्रीम सोल चुनते हैं, राम बाप की सोल चुनती है, कृष्णा कहीं दादा सूक्ष्म सब कोई अपनी अपनी जाति को प्रेफरेंस देते हैं। जो भंगी होंगे वो भंगियों को प्रेफरेंस देंगे, शेड्यूल कास्ट वाले होंगे वो मायावती को प्रेफरेंस देंगे, अंबेडकर को प्रेफरेंस देंगे, ब्राह्मण होंगे तो नेहरू जी को प्रेफरेंस देंगे। हर कोई अपनी अपनी जाति को पहले प्रेफरेंस देता है, महत्व देता है। तो सेवक उसकी कोई अलग से जाति नहीं है, वो अकेला ही है, उसकी जाति का कोई दूसरी आत्मा नहीं है। लेकिन उसकी उसके अंदर जो शिफ्ट है विशेष वो कौन सी है? शिव के अंदर विशेष शिफ्ट है कल्याण की, वो कल्याणकारी है। तो इस सृष्टि में जो आत्मा पाठ बजाने वाली आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती कल्याणकारी दृष्टिकोण की होगी, जन्म जन्मांतर की, दुष्टों का संहार करने वाली और देवात्माओं का वरण करने वाली, संवर्धन करने वाली, उसी को सही होगी। तो राम वाली आत्मा को चुन लेती है, लेकिन आपका प्रश्न है राम वाली आत्मा किसको चुनती है? मेरा प्रश्न ये है कि सब बच्चों को कौन चुनते हैं, कैसे समझेगी? उसका जवाब अभी दे दिया ना, जो जिस कुल का होगा, जिस जाति का होगा, वो अपनी जाति वालों को पहले प्रेफरेंस देगा, देगा या नहीं देगा? अगर सूर्य होगा तो किसको प्रेफरेंस देगा? सूर्य सी बच्चों को प्रेफरेंस देगा। एक मुरली में पूछा है, हाँ जी, 82 जन्म में ब्रह्मा ने राजयोग सीखा, 82 बर्थ में उन्होंने राजयोग सीखा, राजयोग सीखा और 83 बर्थ में सूक्ष्म शरीर से राम बाप के तन में है, तो 84 बर्थ कौन सा उनका? 83 वर्ष बट में राम बाप के तन में है, 82 जन्म में राजयोग सीखा, आपकी मुरली में ही है।
राजयोग सिखाता कौन है और किस युग में सिखाता है? राजयोग आखिरी जन्म में सिखाया जाता है या ब्यासी त्रासीवें जन्म में सिखाया जाता है? तो ये तो बात ही गलत हो जाती है। राजयोग जो है वो बाप के सिवा और दूसरा कोई पाठ सिखा ही नहीं सकता। सन 68 से पहले या सन 68 तक जो भी पाठ चला माँ के रूप में, वो माँ का पाठ चला, उसे राजयोग सिखाने वाला पाठ नहीं कहेंगे। मुरली में कुछ भी वो डाल दें उससे क्या होता है, लेकिन ज्ञान तो जो सत्य है वही सत्य माना जाएगा। अगर कुछ असत्य उसमें मिक्स किया जाता है तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। आपने मुरली में बोला है इसीलिए मैं देखा हूँ। कुछ बात और बोली होगी माता ने सुनते समय पढ़ते समय अपनी बुद्धि से समझ लिया। एट्टी फोर्थ बर्थ उनका वही हुआ जिससे उन्होंने अपने चोले को छोड़ा है? हाँ, 84 जन्म के 84 बाप होंगे कि नहीं होंगे है? ब्रह्मा की सोल कृष्ण की सोल कितने जन्म लेती है? 84 जन्म। तो 84वें जन्म में उनका बाप कोई था या नहीं था शरीर का? 84 लौकिक बाप होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी। 8 मार्च जागतिक महिला दिन साझा करते हैं। 8 मार्च को? 8 मार्च। हाँ। अपने ज्ञान के आधार पे उसका कुछ ताल्लुक? ये जो होली होती है हाँ। वो कौन सी तारीख को होती है मोस्टली? मोस्टली मार्च के महीने में, मध्य में या अंत में होती है। और रामनवमी कब होती है? जब विकारों की होली जल जाती है तो राम की जयंती मनाई जाती है। अच्छा, तो राम की प्रत्यक्षता पहले होगी या विकारों की होली पहले जलाई जाएगी या शक्तियां पहले जगेंगी? राम के जन्म होने का मदार और विकारों की होली जलाने का मदार शक्तियों के जागृत होने पर निर्भर है या शक्तियां सोती रहे उसमें निर्भर है? हाँ, शक्तियां जागृत तो मनाई जाती है 8 मार्च में। अच्छा, तो हमें उधर बुलाया है, हमें वहाँ बुलाया, अभी 8 मार्च का प्रोग्राम है, हमारी पड़ोसन ने उनको बुलाया तो उन्होंने हमको भी एक किया आओ करके। तो हम ये रहस्य सुनाओ जो हमको। हाँ, तो यही हमको सुनाना है। बात ये है कि हम सुनाने से पहले खुद को सुनाना है। पहले क्या है, हम ऐसे प्रोग्राम में नहीं जाते थे तो उनको हमने बोला है कि हम बाबा का परिचय देने के लिए, ज्ञान का परिचय देने के लिए जरूर आएंगे, तो सेवा क्या करनी है, कैसे करनी है? ठीक है, हमें तो परिचय देना है, हमें तो बाबा का संदेश देना है किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका नहीं। संक्षिप्त परिचय बांटना है? हाँ जी, संक्षिप्त परिचय बांटना है या पर्ची बांटना है? हाँ, जिस बात के लिए बुलाया है जागृति सम्मेलन के लिए उसमें जागृति की बात भी बताओ, फिर आप उनकी समझ में कुछ आए, देखें कि उनकी कान हिल रही है तो अपनी किताबें भी बांट देना। महाराणा प्रताप, शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, बंकर, जिन्होंने मुसलमानों की टक्कर ली हाँ, वो आत्मा और जिसने मुसलमान मुगल सल्तनत की नींव डाली भारत में, वो बाबर, तो दोनों आत्माएं अलग अलग कोटि की है या एक ही कोटि की आत्मा है? कोई भी सल्तनत या कोई भी पार्ट
या दुनिया की कोई भी चीज, कोई भी धर्म शुरुआत में सतो प्रधान होता है या तमो प्रधान होता है? तो बाबर बनकर के अगर अंधश्रद्धा का खंडन किया तो बुरा काम किया, अच्छा काम किया? लेकिन आगे चलकर के दूसरी राज्य भारतवासियों के लिए खतरनाक साबित हुआ। तो तमो प्रधान चीज हो जाती है वो भारतवासियों के लिए क्या, सारी दुनिया के लिए खतरनाक? आज आतंकवाद है, जो आतंकवाद की नींव अंधश्रद्धा में समाई हुई है या श्रद्धा विश्वास में समाई हुई है? भगवान का गायन ठीक है क्या? बनाए बिगाड़े हैं? भगवान का गायन ठीक है, बनाता भी हुई है बिगाड़ता भी हुई? ये भगत लोग गाते हैं या योगी राज गाते हैं? बाबा महाभारत में, बाबा महाभारत में भीष्म पितामह को, महाभारत में भीष्म पितामह को मारने के लिए शिखंडी को निमित्त किया। हाँ जी। और बाबा ने मुरली में बोला है छोटी छोटी कन्या यहाँ भीष्म पिता महारथी जैसे वो बाण मारेगी। हाँ। तो ये कनेक्शन क्या है? तो भीष्म पितामह महारथी नहीं थे? हाँ। तो महारथियों की लिस्ट में जो भी भीष्म माना भयंकर पाठ बजाने वाले हैं, जो गीता का ज्ञान सारा समझते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन पाठ उल्टा बजाते हैं, कौरवों का ही सहयोग देते हैं, ऐसे भयंकर पाठ बजाने वालों के लिए वो खुद सामना नहीं करते, तो उनका अहंकार नष्ट करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को आगे कर देती है। वो शिखंडी ही था, अब शिखंडी होने के नाते भीष्म पितामह जानते थे कि ये कन्या का रूप भी है, इसलिए उसके ऊपर वार नहीं किया। पांडवों की युक्ति थी ना बाबा? हाँ जी। भारत में जब पांडवों की युक्ति नहीं थी, भगवान की युक्ति थी। भारत जब स्वतंत्र हुआ, इधर इधर नीचे, भारत जब स्वतंत्र हुआ नीचे ऊपर वाला नहीं। शरीर का बलिदान दिया, स्वतंत्र हुआ तब कई लोगों ने शरीर का बलिदान दिया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ एडवांस में कोई शरीर छोड़ रहे हैं, उसका बलिदान जो है ये कनेक्शन नहीं बता रहे। वो 2500 साल में जो देश को सुरक्षा करने के लिए जिन्होंने शरीर का बलिदान दिया, चाहे 2500 साल में कोई भी युद्ध हुआ हो, अपने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान दिया, और चाहे स्वतंत्रता संग्राम लास्ट में हुआ उसके लिए देह का बलिदान दिया, वो देहभान की निशानी है या आत्माभिमान की निशानी है? है? देहभान की निशानी है। यहाँ ज्ञान मार्ग में क्या सिखाते हैं बाबा? है? जीते जी मरना। यहाँ जो जीते जी श्रीमत पर चलेंगे, श्रीमत पर अपने देहभान को मारेंगे, वही स्वतंत्रता सच्ची प्राप्त कर सकेंगे। नहीं नहीं, एडवांस में शरीर छोड़ रहे हैं। वो शरीर छोड़ने की बात ही नहीं ना यहाँ, यहाँ स्थूल में शरीर छोड़ने की बात है क्या? नहीं, स्थूल में शरीर छोड़ना यहाँ ज्ञान में कोई महत्व नहीं रखता। मेरा कहना है क्या, ये दालू यहाँ कनेक्शन एडवांस में है, इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है, ये तो भक्ति मार्ग की बात होगी, यहाँ है देहभान को खत्म करने वाली बात। जीते जी मरना, नदी जी किसे कहेंगे? जीते जी बाप का बनना। नदी जी किसे कहेंगे? है? नदी जी, नदी जी ब्रह्मा या प्रजापिता? दधीची वो ऋषि का नाम था जिन्होंने अपनी हड्डियों को अर्पण कर दिया विश्व कल्याण के लिए, मैंने हड्डी हड्डी सर्विस की। क्या? देहम वा पातयामी कार्यम वा साधयामी, भले देह चली जाए तो भी कार्य पूरा करके छोड़ेंगे। ये उदाहरण किसने पेश किया? शिवाजी तो किया, शिवाजी ने किया,
लेकिन उनका गुरु कौन था ये सिखाया किसने? हाँ जी जोर से बोलो तो आवाज आए इधर। हाँ इनकी बात समझिए, हमें बताओ अभी प्रेजेंट बात जब इन लोग पाकिस्तान जॉर्ज बुश आया ना, जॉर्ज बुश एक आदमी बोलो, हाँ जॉर्ज बुश इंडिया में आया ना अभी। हाँ जी मनमोहन सिंह और इनका दोनों का जो मीटिंग हुआ उनके बारे में पूछ रहे हो? क्या पूछ रहे? न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट हुआ है जो बन रहा न्यूक्लियर बम्ब के बारे में, हाँ वो किस बात का फाउंडेशन है? फैसला क्या हुआ? अमेरिका और भारत के बीच में अणुबम का करार हुआ। क्या करार हुआ? दोनों मिल करके भारत में अणुबम बनाएंगे। भारत में अणुबम बनाएंगे? भारत ये बात स्वीकार नहीं करेगा कि अणुबम बनाएंगे। भारत का तो कहना है, भारत का तो ये सिद्धांत है कि अणुबम बनाना ये विश्व कल्याण के लिए खतरनाक है। वो जो इराक को ईरान के ऊपर हमला करते जा रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? कब्जा जमाने नहीं, वो उनके ऊपर ये आरोप थोप रहे हैं कि ये बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, इनको नहीं बनाना चाहिए जबकि खुद बना के बैठे हुए हैं। तो दूसरों से तो मना तब करें जब पहले अपने बनाई हुई चीज का श्रृंगार करें या बराबर बराबर वितरित कर दें सबको। अमेरिका ने बोला भारत को जितने भी हमारे पास आधुनिक हथियार हैं हम आपको सब बेचने के लिए तैयार हैं। हाँ। आप जितना चाहो ले सकते हो। हाँ। अणुबम जो भी मतलब वो पनडुब्बी वगैरह या अणुबम वगैरह जो भी आप सारे अच्छे अच्छे दे ही देंगे, इसका क्या प्रूफ है? बाबा ने तो मुरली में बोला है कि जो घटिया किस्म के हैं कम पावर वाले वो हिंदुस्तान पाकिस्तान को दे देते हैं और जो ज्यादा पावर के हैं वो तो देंगे ही नहीं, अपने पास ही रखेंगे। बाबा परमात्मा बम तो अपने पास है ना? हाँ जी परमात्मा बम तो अभी अपने पास है ना? आपके पास है तो फोड़ते का ही नहीं तो बाबा फोड़ते बाबा बाबा उन्होंने सिर्फ फला के रखा है, फोड़ने की ताकत नहीं है इनके पास, फोड़ने की ताकत ही नहीं है बाबा। फोड़ते भी बाबा फोड़ने की ताकत जब दिखाएंगे तो क्या करेंगे? बाबा का चित्र छपा देंगे बड़ा वाला है और चित्र छपा के बाप की प्रत्यक्षता करेंगे। बाबा ने बेतवाणी बोला अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता करो, वो न कर पाते हैं तो क्या करते हैं? बड़े बड़े चित्र छपा देते हैं। बाबा अभी 3 महीने का टाइमिंग चेंज करेंगे तो आ जाएगा। बाबा राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी था ना, तो उसको चांडाल क्यों बनना पड़ा? राम की आत्मा को चांडाल क्यों बनना पड़ता है? चांडाल बन के जितने भी मुर्दे बने पड़े हैं उनमें आग लगाने का काम क्यों करना पड़ता है? शंकर के लिए भी शास्त्रों में कहा गया है कि उन्होंने किरात वेश धारण किया, चांडाल का रूप धारण किया। ज्ञान लेने के बाद अगर ज्ञान को बुद्धि अप्लाई नहीं करती अपने जीवन में तो मुर्दे में और जिंदा में क्या फर्क हुआ?
महाराज का प्रायश्चित नहीं था है? राजा हरिचंद्र का प्रायश्चित नहीं था वो। क्यों? इसने ऐसा कर्म किया होगा। हाँ तो बता तो रहे हैं, राम फेल हो गया का मतलब क्या हुआ? वो सबका बाप है या चांडालों का बाप नहीं है? सबका बाप है, बाप है। जो प्रजापद है वो सब प्रजा में सबसे नीचा पद किसका होता है? चांडाल का। तो राम राजा राम प्रजा नहीं गाया हुआ है, है? और दो हजार आठ में नारायण का पाठ चलेगा है, उसको शाकाहारी पाठ बोलेंगे। क्या हुआ? 2008 में नारायण का पाठ चालू होगा, नारायण का पाठ चालू होगा, लक्ष्मी का नहीं चालू होगा, साथ में होगा लेकिन शाकाहारी पाठ बोलेंगे उसको, जो बाहर बोला नारायण का पाठ 76 में चालू नहीं हुआ, जहाँ के लिए बोला था 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्षों में पुराने दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की शुरुआत होगी, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तो 76 में लक्ष्मी नारायण का राज्य नहीं हुआ। साकारी बनेंगे। हाँ जी, 2008 से वो साकारी पाठ बोले। हाँ जी, हाँ ये बात है, ये ऐसे पूछिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता साबित होती है? हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट की प्रवेशता साबित होती है उसके बाद। अगर नारायण का पाठ डिक्लेयर हो जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट की क्या दरकार रहेगी? पूरी प्रत्यक्षता होने तक साबित होती है। हाँ जी, वो आत्मा को जितना जितना स्थापना होती जाएगी मन बुद्धि क्षेत्र में उतना उतना विनाश भी होता जाएगा। बाप दादा साथी हो जाएंगे और शिव बाबा साक्षी हो जाएगा। साक्षी तो यही है, सुप्रीम कोर्ट परंपरा में रह करके साक्षी नहीं हो सकता। हाँ, तो साक्षी में हो तो ही साक्षी कब हो जाएंगे? बाप कौन है और दादा कौन है? राम बाल अमर कृष्ण। हाँ जी बाबा, लक्ष्मी वाली जो आत्मा आती है, हाँ जी, वो आने के पहले का पुरुषार्थ श्रेष्ठ की आने के बाद का पुरुषार्थ श्रेष्ठ? जब तक एडवांस नॉलेज ही नहीं लेगा तो श्रेष्ठ कैसे बनेगा? एडवांस कैसे बनेगा? एडवांस पार्ट संसार में कैसे प्रत्यक्ष होगा? जो रुद्रमाला की आत्माएं हैं और विजयमाला की आत्माएं हैं, वो दोनों का अगर संयोग नहीं होगा, प्रवृत्ति नहीं बनेगी, तो नई दुनिया कैसे प्रत्यक्ष हो जाएगी? हाँ जी, एक ही सोल है जो आत्मा तो परमात्मा बनती है, राम वाली सोल आत्मा तो परमात्मा बनती है। हाँ जी, हाँ जी, कितने समय के लिए बनती है? कितने समय के लिए बनती है? जब तक दुनिया का विनाश होता है, जो इन आंखों से दुनिया का विनाश देखते हैं, वो परमात्मा तभी होते हैं साबित, नहीं तो परमात्मा साबित नहीं हो सकता। आत्मिक स्टेज अलग, परमात्मा स्टेज अलग। दुनिया के विनाश की विभीषिका में सब आत्माएं लोप हो जाएंगी इस दुनिया से, एक आत्मा ऐसी होगी जो लास्ट में लोप होनी है, तब तक सबको सूक्ष्म वतन में ठहरना पड़े। हाँ जी, साक्षी वाली बात क्लियर नहीं, साक्षी मतलब रहेंगे उस समय 2008 के बाद राम बाप की व्यवस्था रहेगी? जब आग लगकर पूरी होगी तब चले जाएंगे। हमारा साक्षी का बाप चलेगा। हाँ जी, बाप अगर विनाशकारी साबित हो तब तो बाप के ऊपर दोष आ जाता है, इसलिए शक्तियाँ इस पार्ट के लिए नुदी हुई है। बाप के ऊपर कहीं आंच ना आ जाए कि वो प्यार का सागर नहीं है, मार का सागर है।
हाँ जी, ये गीता पाठशाला में स्टूडेंट क्लास करने के लिए आते हैं ना? हाँ जी। तो कोई कोई स्टूडेंट 5 मिनट के लिए आते हैं, फिर रजिस्टर पर साइन करके चले जाते हैं। साइन कर सकते क्या वो 5 मिनट के लिए दे रहे हैं? आए तो बहुत से मंदिर में भगत ऐसे होते हैं, शिवलिंग की पिंटी छुई और भागे, लेकिन जाते रोज है तो उनकी शूटिंग कौन करेगा है? आपको कुछ घाटा हो रहा है क्या? बाबा रजिस्टर पर साइन करा करते हैं ना, तो बाबा देखे तो कोई कोई तो मेजोरिटी के लिए भी बाबा को दिखाने के लिए साइन करते हैं ना बाबा। अपने आप अपने हाथ से साइन कर देते हैं? नहीं, के हाथों से साइन किया जाता है। हाँ, मगर वो क्लास करने के लिए किया नहीं किया वो बराबर ही हो जाता है ना बाबा, रजिस्टर में साइन करने का क्या फायदा? अरे आपके मंदिर में तो आए कृष्ण ही ग्रंथ बनता है ना, तो राम ही रावण बनता है, रावण ही रावण बनता है, नरसिंह ही हिरण्यकश्यप बनता है क्या? नरसिंह जो है वही हिरण्यकश्यप भी बनता है क्या? अरे वो भगवान का पार्ट तो एक ही है, चाहे नरसिंह अवतार हो, चाहे घोड़े का अवतार हो, चाहे कच्छमच्छव का अवतार हो, पार्ट तो एक ही है, लेकिन अलग अलग रूप में अलग अलग टाइम पर पार्ट बजाता है। कोई शेर स्वरूप आत्माएं हैं, कोई घोड़े स्वरूप आत्माएं हैं, कोई बकरी स्वरूप आत्माएं हैं। जो बकरी स्वरूप होंगी तो बकरियों की आदत क्या होती है? एक तो मैं करना और दूसरा एक भेड़ बकरी जिधर जाएगी उसके पीछे पीछे सब जाएंगे, तो भेड़ बकरियों में भी कोई श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला होगा कि नहीं? भेड़ों में? हाँ, भेड़ बकरियों में भी कोई श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाला होगा ना, बकरी में भी और भेड़ों में भी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा मुरली में बोला है प्यूरिटी प्यूरिटी को खींचती है। है नहीं, प्योरिटी जो है इम्प्योर को खींचती है। हाँ जी, क्लास का टाइम लिखना चाहिए कि हम लोग टाइम लिखना चाहिए? अच्छा, अमृत वेला जिस टाइम उठते हैं वो टाइम गीता पाठशाला में जाकर के रजिस्टर में नूद कर देते हैं। क्लास का टाइम लिखना चाहिए कि वो टाइम? क्लास क्लास से कनेक्शन उनके अमृत वेले का नहीं है, अमृत वेले का कनेक्शन अगर लिखने के लिए है तो वो अपने कागज में अपने पोता मेल में लिखते हो तो उसमें भले लिखे, जो गीता पाठशाला का रजिस्टर है उसमें पंक्चुअलिटी से कनेक्शन है। पंक्चुअल माने ठीक टाइम से आने वाले, कितना लेट आए, पंक्चुअल कितने रहे, 1, 2, 5 मिनट पंक्चुअल है, लेट हो जाते हैं या पूरा क्लास अटेंड करते हैं। अगर ठीक टाइम से रोज आते हैं तो पंक्चुअल है, और ऊपर नीचे होते रहते हैं तो पंक्चुअल नहीं है। रोज आते हैं भू करके चले जाते हैं तो भी रेगुलर तो है, 100% रेगुलर नहीं है। हाँ जी, सवेरे सवेरे का टाइम नहीं लिखना चाहिए रजिस्टर में, क्लास में आने का टाइम लिखना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, परमधाम में सब आत्माएं वापस चली जाती है, आत्मा स्टार बन जाती है वहाँ पे परमधाम में, तो फिर नीचे आते समय उनको कैसे मालूम पड़ता है कि मुझे इसी देह में आना है, इसी वापस चलने में जाते हैं? उनके अंदर वो संस्कार भरा हुआ है, संस्कार के अनुसार कार्य करती है। मर्ज और इमर्ज होने का सवाल है, उनमें जब टाइम आता है, टाइम की सुई जब अपनी जगह पर आती है
तो जिस आत्मा को आना होता है वो आ जाती है। जैसे शिव बाप को आना होता है, जब उनका टाइम होता है तो उस समय वो आत्मा को खुद स्वतः ही आकर्षण हो जाता है, खींची चली जाती है, कोई भेजता नहीं है। हाँ, सब कुछ प्रजापिता के थ्रू ही क्यों होता है? क्या डायनेस्टीज जो क्रिएट होती है ना, मतलब ऊपर परमधाम से आत्मा आती है नीचे, तो वो भी मतलब एज इट इज प्रजापिता के थ्रू ही आगे ऐसा ही हो सकता है ना। प्रजापिता के थ्रू कहाँ आती है? ऐसा तो नहीं है कि सभी आत्मा प्रजापिता के थ्रू आती है। ये कह सकते हैं कि पहले प्रजापिता की सोल इस सृष्टि पर आती है, फिर नंबर बार दूसरी आत्माएं आती है। पहले प्रजापिता की सोल वापस जाती है, बाद में नंबर बार दूसरी आत्मा जाती है।